Okay. Uh hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel and today we are going to cover Uh, the important current affairs of first and second week of February Himachal state. So this current affair, these current affairs are very important, relevant for your Himachal uh, Administrative Services examination prelims as well as mains. और अभी जो recently जो आते रहते exams allied services के अंदर, जैसे अभी recently नायब तहसीलदार है, और आगे भी आने वाले exams हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा important, relevant ये करंट अफेयर्स हैं सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग द फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कला सम्मान अवार्ड ये जो अवार्ड है ये रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं उनको मिला है उनका नाम है नरेश कुमारी uh, एक रिटायर्ड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं और रेसिडेंट uh, कहाँ की हैं नूरपुर की हैं और इनको जो है ये महाराजा संसार चंद कला सम्मान अवार्ड दिया गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ चंबा रूमाल राइट सो इनको इस कैटेगरी के अंदर ये रिकोगनाइजेशन मिली है राइट सो हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज अकैडमी ने ये अवार्ड दिया है जो कि टीचर पहले टीचर रिटायर्ड टीचर हैं और इस पर इनको क्या मिलेगा कैश प्राइज मिलेगा वन लाख का एंड ये जो पूरा सेरेमनी हुई है ये शिमला के अंदर हुई है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ही हैंडेड ओवर द अवॉर्ड टू द नरेश कुमारी जो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती है चंबा से बिलोंग करती है राइट right? सो so, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं ये काफ़ी टाइम से चंबा रूमाल जो ये आर्ट uh, है इसको प्रमोट करती आ रही है 1977 से एंड शी आल्सो गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट लेवल चंबा रूमाल कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किया था हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज अकेडमी ने इन 2015 में तो इनकी और भी इन्होंने काफ़ी ज्यादा रिकगनाइजेशन हासिल की है इस कैटेगरी में जहाँ पे ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है बहुत सारी चीजें इसके लिए सेटअप कर रही हैं राइट और इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया एग्जिबिशन फॉर द चंबा रूमाल सेवरल टाइम्स इन अदर स्टेट्स ऑल्सो है ना टू प्रमोट एंड कंजर्व द आर्ट और इसी टाइम पे इन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है इस कैटेगरी में इस आ, चंबा रुमाल को किस तरीके से और प्रमोट किया जाए तो उसी के अंदर जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी इन्होंने अवेयर किया है ऑल्सो शी इज अ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड इन टू थाउजेंड एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड टू थाउजेंड बाई यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ यूनिक हिमाचली आर्ट राइट सो इनके बारे में हमने ये तो पढ़ लिया अब हम लोग बात करते हैं ये पर्टिकुलर जो आर्ट है इसके बारे में पढ़ते हैं ये जो चंबा रुमाल है या फिर इसको हम चंबा हैंडकर चिव भी कहते हैं इट इज बेसिकली हैंडक्राफ्टेड ठीक है हाथ से एम्ब्रॉइडरी होती है इसकी एंड इसको जो इसकी जो शुरुआत देखी जाती है वो शुरुआत देखी जाती है चंबा के जो फॉर्मर रूलर रह चुके हैं रूलर रह चुके हैं जिनका नाम उमेद सिंह है, उनके टाइम पे ये शुरुआत हुई इसकी इस वहां से हमें जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्ट को राइट एंड इट इज अ वेरी कॉमन आइटम जो गिफ्ट के तौर पे दी जाती है मैरिजेज में और काफी ज्यादा इसका कलर जो पैटर्न होता है इस हैंकर का बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग होता है ब्राइट होता है राइट right? ये जो प्रोडक्ट है इसको रजिस्टर किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन अंडर द दोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट भी इसको कहा कहा जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म एंड 2007 में जनवरी ट्वेंटी में इट वाज लिस्टेड एज अ चंबा रूमाल अंडर द जी एक्ट नाइनटीन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा इस तरीके का इसका पूरा Uh, एक कॉन्सेप्ट uh, है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट right? अब आगे हम लोग बात करते हैं कि थेरेपी ऑन व्हील टू गेट द ऑनर एट यूनाइटेड नेशन मीट तो यू मीट के अंदर थेरेपी ऑन व्हील को एक ऑनर दिया जाएगा अच्छा सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस ये एक तरीके का uh, यहाँ पे आपको जो है फिजियोथेरेपी स्पीच uh, थेरेपी इसके अलावा ट्रेनिंग इंक्लूजन प्रोग्राम जो है इस uh, के अंदर आपको मिलेंगे फैसिलिटी मिलेगी इस वैन के अंदर और इसी वैन को कहा गया है थेरेपी ऑन व्हील ये शुरू किया गया है बेसिकली सैम्फिया फाउंडेशन के द्वारा इट इज अ एन जी ओ ठीक है जो सिलेक्ट हुई है फॉर जीरो प्रोजेक्ट जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए जो दिया जाएगा विच विल बी गिवन एट द यूनाइटेड नेशन हेड ऑस्ट्रिया वियना और ये बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है

ये खुद वहां पे जाएगी जहां पर भी ये लोग हैं और वहां पे उनको थेरेपी दे सकती है राइट right? इस वैन के अंदर आपको ट्रेडमिल मिल जाएगी थेरेपी बॉल्स होंगी पोजिशनिक ब्लॉक्स होंगी थेरेपी टॉयज होंगे बुक्स होंगे फ्लैश कार्ड्स फिजियोथेरेपी मोडालिटीज पोर्टेबल स्पीच ऑडियोलॉजी एंड फर्स्ट एड टूल्स होंगे राइट right? ये एक यूनिक इनिशिएटिव है इट इज इनिशिएटिव स्टार्टेड बायफिया फाउंडेशन आश बाल विकास केंद्र इन 2020 ट्वेंटी right? राइट तो थोड़ा सा आपने इसके बारे में जान लिया है दैट्स सफिशियंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है और जितने भी किड्स हैं इन in इंडिया जो माउंटेनियस रीजन के हैं दे ऑफन डोंट हैव एक्सेस टू अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी तो ये वो गैप को फुलफिल करेगी राइट right? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में लद्दाख इज विन द आइस हॉकी चैंपियनशिप एट काजा सो लद्दाख टीम जो है उसने जीता है टाइटल इन द फोर डे नाइन्थ नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कंक्लूड हुआ काजा के अंदर जो कि एक छोटा सा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति का और चंडीगढ़ जो है वो सेकेंड हुआ है राइट right? सो so, इट्स इट्स अ वेरी स्मॉल शॉर्ट न्यूज इंक्लूड कर दिया नाइन्थ नेशनल कहाँ पे हुई है काजा के अंदर हुई है और इसमें जीता कौन है लद्दाख टीम जीती है राइट चलिए और इसमें गोल्ड मेडल दिया जा रहा है विनर टीम को रनर अप को जो है सिल्वर मेडल दिया जाएगा और जो थर्ड कैटेगरी में आ रहा है उसे ब्रॉन्स मेडल दिया जाएगा एंड रेस्ट प्लेयर्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा नाउ अगेन इन अदर न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है एक कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाली लड़की है ओजस्वी उनको वो ऑस्ट्रेलिया में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया लेट्स टॉक अबाउट हर ओजस्वी राना है हु बिलोंग्स टू सुलाय इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गॉड दिसंग्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है अब She is studying in class 12th in that country Australia she has received the award for her contribution contribution in the chemistry research project on the effects of beverages on cancer and Alzheimer' patients, right. She has also received the biotech innovation award also for digital therapy innovation for cerebral palsy. She was also given the future science innovator award 2021. By Australian Defence Forces, ठीक है? OJSV is working on finding answers to un unresolved, unresolved questions in cancer and age-related diseases. और ये काफी बड़ी achievement है, काफी बढ़िया एक uh, according to अगर in context of age भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा innovative practice है जो ये follow कर रही है, कोशिश कर रही है to research to contribute in these category, uh, right? तो इसीलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हरियाणा ने पैक्ट साइन किया ऑफ अ डैम ऑन सेवन सेवन एकर ऑफ लैंड इन हिमाचल नियर आदि बदरी एरिया ऑफ यमुनानगर फॉर द रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर ठीक है और इसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है बट वो कॉस्टिंग जो है वो दोनों शेयर कर लेंगे ठीक है सो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हिमाचल के ड्रिंकिंग uh, पर्पस है वो सॉल्व किया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ इतने हेक्टेयर ऑफ लैंड मतलब 57.96 हेक्टेयर मीटर जो होगी वो उसको जो है इरिगेशन फैसिलिटी मिल सकती है इन द प्रोजेक्ट इफेक्टेड हैबिटेशन, ठीक है अब ये जो डैम है वुड नॉट ओनली बी यूज प्रमेरली फॉर द रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर बट आल्सो फॉर द वाटर कंजर्वेशन इन द रीजन हरियाणा गवर्नमेंट अरेंज करेगा प्रोजेक्ट के गवर्नमेंट वुड बी फ्री टू प्रिपेयर

सो so, इंडिया में ऑलमोस्ट 4400 डैम्स है, 4407 डैम्स है लास्ट डैम्स है और इट ये जो आता है इट इज़ थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ठीक है सो so, चाइना तो ऐसा बोला जाता है कि चाइना इज द मोस्ट डैम्ड सिटी है ना इस तरीके से बोला जाता है इसको दिया जाता है टाइटल इस तरीके से बिकॉज इतने सारे इसके पास डैम्स हैं ठीक है ठेके? अगर हम बात करें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स की जैसे तेहरी डैम है ये सीधे क्वेश्चन आते हैं तेहरी डैम जो है उत्तराखंड के अंदर है इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सेकेंड एज हीराकोड डैम उड़ीसा के अंदर है बिल्ट ऑन कहाँ पे इट्स ऑन रिवर महानदी इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया अंडरस्टैंड एंड कालानाई डैम जो है वो तमिलनाडु में है इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया इट इज बिल्ड ऑन कावेरी रिवर एंड इज अबाउट टू थाउजेंड ओल्ड राइट सो ये तीनों डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल पूछे जाते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्स ठीक है और साथ ही साथ फिर हम लोग बात करेंगे कि डिस्ट्रक्शन कैसे डैम से हो सकती है देखिए सिग्निफिकेंस में वी टॉक अबाउट येस वी टॉक्ड अबाउट इन द हिमाचल हरियाणा में डैम कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो ऑब्वियसली ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा ठीक है इरीगेशन फैसिलिटी होगी सो वैसा वैसा ही है सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है ठीक है डैम्स आर द सोर्सेज ऑफ क्लीन पावर क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाली हो एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन किया जा सकता है और हमारा जो फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है फॉसल फ्यूल्स के ऊपर वो कम हो जाएगी क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव पॉल्यूशन भी होता है सो दिस इज लाइक गुड सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी राइट इरीगेशन की बात करें तो इरीगेशन फैसिलिटी बेटर हो जाती है डैम्स एंड वॉटर वे स्टोर एंड प्रोवाइड द वॉटर फॉर द इिगेशन सो फार्मर्स कैन यूज द वॉटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है एंड ऑल्सो डैम कंस्ट्रक्शन से क्या हो सकता है प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑल्सो एंड इट इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अंडरस्टैंड बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन सो वंस डैम Uh, को बना दिया जाता है उसके बाद जो इक्विटिक लाइफ होती है वो काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्टेड होती है कैसे डांस प्रिवेंट द फिश माइग्रेशन ठीक है एंड इट आल्सो इट आल्सो लिमिट द एबिलिटी टू एक्सेस द हैबिटेट्स ओके आल्सो डैम ब्लॉक्स द रिवर राइट सो डैम्स और रिजर्वाइज़ जो होते हैं दे आर द फिजिकल बैरियर टू द फ्लो ऑफ वाटर बॉडीज एंड दे आल्सो चेंज द रिवर वे जैसे रिवर फंक्शन करती है और ठीक है ट्रैप करती है सेडिमेंट्स को ये सारा जो होता है वो चेंज हो जाता है इसके अलावा इट इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि जो लार्ज डैम्स होते हैं इवन इफ स्ट्रक्चरली वेरी साउंड आर रिगार्डेड एट हाई हजार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दर पोटेंशियल फॉर द मैसिव लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स लाइवलीहुड्स एंड डिस्ट्रक्शन इन द इवेंट ऑफ फेलियर तो ये एक तरीके से हमने इसको बारे में

ठीक है वुड बी रिजॉल्व थ्रू इट इन स्टिपुलेटेड टाइम ये इस तरीके का सिस्टम है और अगर वंस uh, ये जो पर्टिकुलर स्टेब्लिशमेंट ऑफ टैक्स हार्थ है ये 2021-22 22 के बजट के अंदर अनाउंस किया गया था और अभी जो है इसको फुलफिल कर दिया गया है बाय इम्प्लीमेंटेशन ठीक है सो बहुत सारे कंसेशन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है टू द बिजनेसमैन इन द जीएसटी एस एज वेल एज फॉर द लमसम टैक्स पेमेंट और लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 50 लाख टू 1.5 करोड़ अंडर द कॉम्पोज कॉम्पोजिशन स्कीम राइट और ये भी इंश्योर किया गया कि जो बिजनेसमैन है कोविड के टाइम पे दे हैव फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज सो गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन एंड टाइम लिमिट फॉर फिलिंग द रिटर्न और रेवेन्यू इसकी वजह से क्या हुआ इंक्रीज हुआ फ्रॉम 11 करोड़ इन 1990 सेवेंटी फोर टू

डिपार्टमेंट वेबसाइट के ऊपर एंड वुड बी रिजोल्व बाई दिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसर है कंप्लेन इशूज क्वेरी वुड बी रिड्रेस्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय स्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एट द डिस्ट्रिक्ट एंड जोनल लेवल राइट सो मोर ओवर बिजनेस फेसिलिटेशन सेंटर जो है

ऑफ बिजनेस मैन अंडर विच ग्रीफ्रेंसेज कुड भी रजिस्टर्ड एट फोन नंबर इलेवन हंड्रेड ठीक है तो ग्यारह सौ पे आप अपनी ग्रीफ्रेंसेस जो है वो भी uh, रजिस्टर करवा सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा राइट चलिए सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू